नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। ईरान इराक सीमा पर 7.3 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप, 330 से ज्यादा लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा घायल। नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रक्षा सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हार्दिक पटेल की युवती के साथ सीडी बाहर आई, पटेल ने कहा, गंदी राजनीति की शुरुआत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनजीटी ने तय की वैष्णो देवी में रोजाना 50,000 श्रद्धालुओं की संख्या। गुजरात में राहुल गांधी ने चला जातिवादी गांव, आरएसएस को बताया मनुवादी। प्रदूषण पर एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली सरकार न्यायाधिकरण पहुंची, याचिका दायर कर महिलाओं के लिए मांगी रियायत। दिल्ली के प्रदूषण पर राहुल गांधी का केंद्र पर कटाक्ष, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आरबीआई का बड़ा फैसला, भारत में नहीं खुलेगा इस्लामिक बैंक। भाजपा नेता और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का कटाक्ष, देश के वर्तमान माहौल में खामोशी है। शिवसेना ने कहा, भाजपा सरकार ने गुजरात चुनाव के लिए घटाई जीएसटी दर। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।